गुड मॉर्निंग बच्चों, आज दिनांक 19 जुलाई 2021 वर्ग प्रथम से दसम वर्ग तक विषय गीता पाठ संस्कृत अध्याय 2 श्लोक नंबर 48-48 पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग शांति से सुनें और पवित्र भाव से इसे सुनकर लोगों को सुनाइए। तो हम अब मैं गीता पाठ 48 को शुरू कर रहे हैं। श्लोक नंबर 48 सुनिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धयो समूहत्वा समत्वं योग धनंजय सिद्धि सिद्धयो समूहत्वा समत्वं योग उच्यते योगयस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा त्यक्त्वा संजय धनंजय सिद्ध सिद्धियो समूहत्वा समत्व समत्वम योग उच्यते। अब इसका अर्थ सुनिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे परमतप अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर समत्व ही योग कहलाता है। इस प्रकार बच्चों, आप लोग गीता पाठ में कल 47 में आप लोगों को शनिवार को पढ़ाई हुई थी, जिसमें साफ का साफ कहा गया था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहे थे कि हे पार्थ अर्जुन, तेरा कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। तुझे फल का अधिकार नहीं है, तू कर्म करो, फल देना तो मेरा काम है। भगवान स्वयं बोले थे। इसलिए इस श्लोक से यह आप लोग को स्पष्ट रूप से पता चल गया कि कर्म करने के साथ साथ कर्तव्य निष्ठ भी होना अति आवश्यक है। आप लोग कर्म कीजिए, कर्तव्य निष्ठ बनिए, इसी कर्तव्य कर्मों को कर समत ही योग कहलाता है। यानी दोनों में सामंजस्य शब्द है। किसमें सामंजस्य है? आपको कर्म और कर्तव्य में। क्या आप कर्म खूब मन ला के कीजिए, सच्चे हृदय से कोई काम कीजिए, पवित्र भाव से काम कीजिए। यदि भगवान का पूजा ही करना है आपको, तो पवित्र भाव से कीजिए। मन में छल प्रबंध नहीं रखिए, एकदम शुद्ध रहिए। शुद्ध रहने का तात्पर्य है आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए, कहीं मन में कोई छल प्रबंध नहीं हो। यदि भगवान में आप आस्था रखते हैं तो भगवान पर ही ध्यान रखिए, किसी दूसरे चीज पर नहीं रखिए। इसलिए भगवान साफ साफ कहे हैं, भगवान कहते हैं कि ईश्वर चापलूसी से नहीं सत्कर्मों से प्रसन्न होते हैं। ईश्वर चापलूसी से नहीं प्रसन्न होते हैं, सत्कर्मों से प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप कर्म कीजिए, अच्छा काम कीजिए, लोगों का सराहनीय बनिएगा। आप अभी बच्चे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप जो है गीता पाठ के शुभ अवसर पर आप लोगों को मैं यही आशीर्वाद देता हूँ कि आप कर्तव्यनिष्ठ बनिए, घर पर माता पिता का आज्ञा पात्र बनिए और पढ़ाई पर लगनशीलता रखिए। हमेशा अनुशासन प्रिय बनिए। अनुशासन यदि प्रिय बनेंगे तो आप चरित्रवान बनेंगे और आपकी सभी कामों में सफलता मिलेगी।
इस प्रकार से गीता पाठ के शुभ अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।